तो गाइज ये ना ही विस्की और ना ही रम, ये है पेट्रोल। तो आज दिखाएंगे इसका दम, क्या करेंगे इसके साथ, पानी में आग लगाएंगे और हवा में भी आग लगाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाले है। आपसे पहले एक निवेदन है कि इस पेट्रोल यानी कि ज्वलनशील ईंधन के साथ आप कुछ भी ऐसा करने की ट्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से आग पकड़ता है और हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसा करने की कोशिश ना करें, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपको ही पता होगा पेट्रोल कितनी जल्दी आग पकड़ लेता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, शायद आपने पहले भी देखे होंगे कि पानी में आग लगा देते हैं। हालांकि कई मैटर हैं और कई एक्सपेरिमेंट हैं जो कि हम पानी में आग लगा सकते हैं, लेकिन हम आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो पेट्रोल के साथ करेंगे और हवा में भी आग लगा के दिखाएंगे आपको। और हवा का जलवा देखना गाइज कैसा होगा और पानी का भी देखना। अभी मैं आपको, ये जो तालाब है पीछे मेरे, तो इसमें मैं इस पेट्रोल को डाल दूंगा और फिर इसमें आग लगाएंगे और फिर पानी में देखना कि पेट्रोल कैसे जलता है। तो गाइस आपने देखा फायर का जलवा यानी कि पेट्रोल का जलवा, तो आपको पता होगा कि कितना तेज ज्वलनशील पदार्थ है पेट्रोल। तो आपको मजा आया कि नहीं, एक बार मैं फिर से आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी जोरों से पानी के अंदर आग लगा दी हमने। तो गाइस एक बार आप स्लो मो में देखना। तो गाइस जब भी आपने देखा पानी के ऊपर जो आग है वो पेट्रोल में किस तरह से लगती है और कितनी जल्दी से ये आग को पकड़ लेती है, तो अभी बारी है हवा में आग लगाने की। मैं हवा में भी अभी आपको आग लगा के दिखाता हूँ और फिर देखना कि कितना अच्छा लगता है। हालांकि आप ऐसा करने की ट्राई बिल्कुल भी ना करें। आपने देखा हवा में फायर का जलवा। तो गाइस ऐसा करने की ट्राई ना करें, क्योंकि बहुत ही जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि इसमें ज्वलनशील गैस है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ट्राई ना करें। हमने सिर्फ आपको ये दिखाया था कि हवा में हम कैसे फायर कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हाँ एक बात और, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से हमें आपको ये पता लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं, या फिर हमें वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जय हिंद जय भारत।